नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वांडरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं फिर से एक बार पहाड़गंज में एल्पाइन एजेंसी, जो कि डेकोरेटिव में डील करते हैं और काफ़ी यहां पर वैरायटी आपको देखने को मिलने वाली है। स्क्रीन पर एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस जगह की सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद हम लोग वापस लौट कर आए हैं। डिटेल वीडियो अगर किसी को चेकआउट करनी है तो प्लीज़ आई बटन पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो हमने पहले शूट करी हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे और कितने प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या आ रही है, कैसे कैसे वो आप तक पहुंचने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के ओनर से और लेते हैं आप सारी जानकारी डिटेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों, एल्पाइन एजेंसी से मेरे साथ फिर से एक बार हैं मिस्टर अखिल गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। बहुत टाइम के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। और मैं अपने व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हम पे ट्रस्ट किया सर। जी, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। प्रोडक्ट भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं मार्केट में, है ना? और आप लोगों के काम करने का तरीका भी बदल गया होगा, है ना? तो फिलहाल जो हमारे नए दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एल्पाइन एजेंसी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए पहले। देखिए सर, हम 2016 से एक्टिव हैं मार्केट में जी, और पैन इंडिया कवर करते हैं। आपको पता है, अगर कोई सिंगल पीस भी मांगता है हमसे तो वो भी डिलीवर करते हैं, बल्क ऑर्डर आता है तो वो भी डिलीवर करते हैं जी। तो हमारे पास ये ऑप्शन अच्छा है कि हम इंस्टॉलेशन साथ प्रोवाइड करते हैं। राइट जी, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ इस वॉल पे काफी नए प्रोडक्ट लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत इस वीडियो की इसी से की जाए। बिल्कुल सर, ठीक है। बताएं सर, क्या है प्रोडक्ट, अभी मार्केट में इनका कितना क्रेज है, कुछ बताएं, समझाएं जरा। सर देखिए, ये 1x1 के मोजैक्स हैं, ठीक है, जो कि आजकल सबसे सस्ती आइटम हो जाती है। स्टार्टिंग जिसका रेट हो जाता है ₹120 पर पैनल से स्टार्ट। अच्छा जी, ये सेल्फ एडहेसिव होता है सर। ओके, आप इसके पीछे गमिंग हटा के इसको किसी भी वॉल पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। और वाटरप्रूफ प्रोडक्ट होता है सर। ये वाटरप्रूफ है? जी बिल्कुल वाटरप्रूफ है। आप इसे एज ए हाईलाइटर बार, मंदिर, ड्राइंग रूम, कहीं भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये मिरर फिनिश में काफी लोग इसको अपने रूम्स में लगाते हैं ताकि कमरा बड़ा लगे। जी 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 बिल्कुल। राइट, ठीक है। तो इस हमारे पास इसके वेरिएंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर इतने सारे हैं, हर किसी की अलग अलग प्राइस रेंज है। बिल्कुल सर, ये जो प्राइस रेंज चालू हो जाती है सर, 120 से लेकर 1300 की प्राइस रेंज रहती है सर। ठीक है, तो जो हम प्राइस बता रहे हैं वो रिटेल सेक्शन वालों को ही बता रहे हैं या फिर होलसेल का है सर? जो भी होलसेल में आना आएगा हमसे, होलसेल में बल्क में लेगा तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑब्वियसली है। अच्छा, बट आपके व्यूअर्स के लिए हमेशा डिस्काउंट रहेगा, चाहे वो रिटेल में ले चाहे वो होलसेल में ले। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कुछ अलग है? जी सर। सर ये पैटर्न 1x1 का स्क्वायर में नहीं है, जो कि इनबिल्ट हो जाता है एक के अंदर एक। अच्छा जी, ओके। इसके अंदर पूरी आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। वाह। और ये इसके जो लॉकिंग्स है ये सारी एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे? मैच हो जाएगी सर, बिल्कुल। आपको इसमें जॉइंट लेस पता नहीं चलेगा कि कहां पर जॉइंट है। जैसे कई कई तो पता चलता है जॉइंट, पर इसके अंदर आपको जॉइंट पता नहीं चलेगा। इनकी बात करें तो जी सर, ये भी सर 1x1 का है। प्राइस रेंज 300-500 के बीच में आती है सर इसकी। ठीक है जी। और ये अपने फिर जो मिरर फिनिश वाले हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी देख रहा हूँ ये। जी सर, ये एक्सक्लूसिव आइटम है जो कि स्टार्टिंग हो जाती है इसकी प्राइस रेंज 800-1300 के बीच में। 1x1 का साइज है सर इसका। अच्छा, इसका जो बॉक्स आता है उसमें कितने पीस आते हैं? आइए मैं आपको कुछ बॉक्स के हाईलाइट दिखा दूं सर। अच्छा जी, जैसे कि ये स्टील के अंदर आते हैं। अच्छा, स्टील, और इसमें अलग अलग रोज गोल्ड, गोल्ड के ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे। मिल जाएंगे सर। ठीक है, इनकी रेंज अलग है या इनकी रेंज सेम है? सर 1000-1300 के बीच में आ जाते हैं सर ये। क्या पैनल का साइज क्या है? 1x1 है सर ये पैनल का साइज। 1x1 जी जी जी। अगर इसके बक्से की बात करूं तो कितने पीस का बॉक्स सर? ये 50 पीस का सैंपल बॉक्स आता है सर, इसकी पूरी किट आती है। अच्छा, जो कि आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बात करना चाहूंगा इनके बारे में थोड़ा सा, मुझे बताएं और लोगों को भी समझाएं ये है क्या। सर ये जॉइंटर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जहाँ पे भी ये जॉइंट रह जाता है, मोल्डिंग्स होती है। राइट, ये कोरियन मोल्डिंग्स हैं और ये इवन आप इसको डिजाइनिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बेड के पीछे कहीं भी, ड्राइंग रूम में, एज ए हाईलाइटर, हाईलाइटर एज ए यूज कर सकते हैं। साथ में इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सर ये एक्रेलिक लेमिनेट है जो कि आजकल सबसे इन है।
लोग सनमाइका का कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं और अब आजकल एक्रेलिक ग्लास लेमिनेट पे आ चुके हैं सर। क्या प्राइस पे आप दे रहे हो अभी? सर प्राइस रेंज हमारे पास जो एक्रेलिक की स्टार्ट रहेगी वो 3200 से 5000 के बीच में रहेगी। अच्छा जी सर, थोड़ा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इसलिए महंगा भी। जी बिल्कुल ठीक है, ये अभी प्रोडक्ट ऐसा है जो घिसता चला जा रहा है मार्केट। जी 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 जी, मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी बहुत अच्छे लेवल पे हुई थी, अभी तो ये बस धक्के खा रहा है मुझे। बिल्कुल सर, पीयू फेदर पैनल है सर जिसकी कॉस्टिंग 500 से स्टार्टिंग है और अप टू 800 के बीच में हम दे रहे हैं सर। देखिए हमने कैसे डिजाइनिंग कर रखी है। ओके हम इसको एज अ फॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में ये कामयाब है ये प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में बात सर, ये दो सर ये 2x2 की सीलिंग टाइल्स है, आप इसको वॉल्स पे यूज कर सकते हैं, सीलिंग पे यूज कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हमने सीलिंग पे भी इसको यूज किया हुआ है। अच्छा ये इधर इस तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे आपने पूरा ये इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने लगा के दिया है, इवन रेस्टोरेंट में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, कोई बैंकेट हॉल बनाना चाहे उसके अंदर इसको यूज कर सकता है। सेल्फ एडहेसिव है? सेल्फ एडहेसिव नहीं है सर, इसमें हीटेक्स से और गमिंग से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी 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 जी। और इसमें क्वांटिटी क्या लेनी पड़ेगी, मतलब सिंगल पीस तो आई डोंट थिंक सो आप सर। हम सिंगल पीस भी देने को तैयार है सर। अरे वाह जी बिल्कुल। क्या प्राइस पे दे रहे हो अभी फिलहाल? सर ये 400 प्लेन कलर और 450 डबल कलर में। अच्छा इसमें मैं देख रहा हूँ आपने लाइट की भी कटिंग निकल जी सर जी, लाइट की भी इसमें कटिंग मिलेगी आपको, जैसे 2x2 का जो लाइट उसमें बनाते हैं हम, राइट, इसकी अकॉर्डिंग एमएम के हिसाब से भी लाइट कटिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा ये थोड़ा एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम समझ है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर ये वाटर बबल पैनल है जो कि हमारा जो साइज है 4x1.5 का है। जी जी जी। और उसकी जो कॉस्टिंग है 1000 to 1100 रुपीज स्क्वायर फीट में है। अच्छा कलर की बात करूं तो इसमें वेरियस कलर देखने को मिल आप है। देख रहे हैं सर, देखिए इसमें कलर चेंज हो रहे हैं, लोग इसको बार में, एंट्रेंस पे, किचन के बाहर, हर जगह इसको यूज करते हैं और ये एक पॉजिटिव वाइब्स देता है एक कहीं भी एक एम्बियंस में। प्राइस की बात कर लें अखिल जी? जी 1000 to 1100 पर स्क्वायर फीट। कस्टमाइज कितना बड़ा हो सकता है इसका? कस्टमाइज सर 8x4 तक मैक्सिमम सर। अच्छा सिंगल कलर बोलोगे तो सिंगल कलर भी मिल जाएगा और इवन इसमें स्ट्रेट लाइनिंग वाला पैटर्न भी मिल जाएगा। इसकी जो मेंटेनेंस है वो कितनी अच्छी सर? इसमें मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको आरओ का वाटर डालना है। अच्छा बस दैट्स इट, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसका पानी चेंज करना है, सिर्फ पानी को फिल करना है सर। ठीक है जी। अच्छा इस तरफ कुछ प्रोडक्ट छूट गए जी, चाहूंगा इसको कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए सर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास वेलवेट लूवर्स हैं सर। ठीक है, जो कि डिफरेंट फैब्रिक में और मल्टीपल कलर्स में, पैटर्न्स में अवेलेबल है सर। इनकी खूबियत ये है सर कि आपका बेड और सोफा जी, हम उससे मैचिंग का फैब्रिक में आपको पैनल्स बना के कस्टमाइज करके दे देंगे विद इन 4 days। वेरी गुड, यस सर, बहुत बढ़िया। और इसमें हमारे पास जो फ्लूट्स हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे हमें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे, फ्लूट्स, जैसे हम चाहेंगे। फ्लूट्स भी अलग अलग मिलेगा और सर पैटर्न भी अलग अलग मिलेगा सर। अच्छा ये क्या चीज है? हाँ सर ये आजकल आ रही है सर, इनले वाली टेप है ये। इनले वाली टेप? जी 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 जी। अरे इसको कैसे इस्तेमाल करना है? सर जैसे इसको आपने हमारी सीलिंग पे अगर आप दिखाएं तो देखिए हमने इसको सीलिंग पे यूज किया हुआ है। अच्छा ओके जी जी, इनले वाली टेप है। और इसका साइज क्या क्या आता है सर? ये 10 mm से लेकर 50 mm तक का प्राइस होता है, साइज होता है इसका। प्राइस क्या है? प्राइस इसका 250 to 550 के बीच में है सर। अरे वाह, मतलब प्रोफाइलिंग की झंझट भी खत्म? झंझट ही खत्म सर, हमने इसको पूरा इसको यूज किया हुआ है सीलिंग में और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें गोल्डन कलर अवेलेबल मिलेगा सर इसके अंदर। वेरी गुड वेरी गुड सर जी। ठीक है यहाँ पे कुछ दिखाना चाहेंगे? जी जी जी, मैं अब आपको सर ये कुछ पेपर मोजैक्स हैं। अच्छा पेपर मोजैक्स जी, पेपर मोजैक्स हैं सर। बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के सर, लाइट वेट है, डायरेक्ट वॉल पे पेस्ट हो जाएंगे सर। ओके 125 का पर पीस है सर। अच्छा जी जी जी, 120 का, बहुत बढ़िया जी। तो बहुत बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही हल्के हैं सर, बेंडेबल है, कहीं पे आपका कर्व आ रहा है तो कर्व से मुड़ भी जाएगा सर ये इजीली। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं जी। अब इस तरफ दिखाना शुरू करते हैं, इस वॉल से स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर आपके स्टोन के कुछ पैनल लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा इनके बारे में बात कर ले सर। ये स्टोन पैनल है 8x2 का जी, इनले पैनल भी आप इसको बोलते हैं, राइट जी। और इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल जैसे स्टोन होता है ना सर, राइट, उसकी लेयर्स बन रही है सर, देखिए आप इसको लेयर्स को देखिए, राइट जी। अच्छा वीनियर में और इसमें क्या फर्क है सर? देखिए वीनियर्स को पॉलिश करने की जरूरत है,
ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा रेडी टू यूज हो है। अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट है। फिनिश प्रोडक्ट है। स्टोन वीनियस को हमेशा पॉलिश करने के बाद ही उसकी लुक आती है। ठीक है, प्राइस की बात कर लेते हैं और साइज क्या है इसका? सर इसका साइज है 8x2 और जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो स्टार्टिंग हो जाता है 55 to 6000 के बीच में। 5500 to 6000। ठीक है, और इसके साथ जो आपने जी ये इसकी ब्यूटीफिकेशन के लिए हमने साइड में एडजॉइनिंग लूवर्स दिखा रखे हैं। ठीक है, ये स्टील लूवर्स जो हमारे पास अवेलेबल है 500 टू 650 के बीच में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया जी। इस तरफ चलते हैं, इस वॉल को भी कवर कर लेते हैं जी। यहाँ पर कुछ अलग प्रोडक्ट है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं क्या है ये। वेल्वेट फिनिश में है कि सर? ये फिनिश में सर, ये 8x2 का एक्रेलिक पैनल है सर। ओके, जो कि आप बेड के पीछे ड्राइंग रूम में और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ एडेसिव और विदाउट एडेसिव दोनों में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस रेंज चालू हो जाती है 3000 to up to 4500 तक सर। वाव जी सर, बहुत बढ़िया। पैन इंडिया डिलीवर हो रहा है? पैन इंडिया डिलीवर हो रहा है सर। एक पीस कहोगे एक पीस भी डिलीवर होगा, और पैटर्न जो और कलर बोलेंगे वो भी इसके अंदर अवेलेबल है सर। अच्छा, इस तरफ की जो रेंज है मैं जी, अब मैं आपको दिखाऊंगा सर 9.5x1 के लूअर्स पैनल्स। अच्छा, जो कि स्लीक लुक में है। राइट जी। इसमें हमारे पास कितने डिजाइन है सर? इसमें हमारे पास कम से कम 25 डिजाइन है। 25 डिजाइन है हमारे पास, जो कि आप इसको फर्नीचर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, इवन ड्रॉर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं सर इसको। क्या प्राइस पे अभी दे रहे हैं आप? इसमें हमारे पास डबल पैटर्न, फोर पैटर्न, ये सब मिल जाएंगे सर। अरे वाह, तो इसको हम पेंट करवा सकते हैं क्या? अगर सर इसको आप पेंट करवा सकते हैं। Okay. और इसके अंदर जो प्राइस रेंज है वो 1300 टू 1500 के बीच में मिलेगी पर पैनल की? पर पैनल सर। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइलिंग के साथ है ना? जी जी, प्रोफाइलिंग के साथ भी आपके पास? प्रोफाइलिंग के साथ है, और आप इसको ड्रॉअर में, फर्नीचर में कहीं भी यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी रेंज है जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बताएं जरा इसके बारे में बताएं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ सर। ये पीवीसी पैनल है सर। ओके, 10x1 की रेंज है, जिसकी जो स्टार्टिंग हो जाती है 500 टू 600 के बीच में आती है। अच्छा, ये इंटरलॉक के साथ है ना? इंटरलॉक के साथ है, टर्माइट प्रूफ है, जहाँ पे भी सीलन हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, इवन सीलिंग में भी आपका यूज हो जाएगा सर ये। अच्छा जी, मतलब इतनी है इसकी स्ट्रेंथ? सर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप इसको ऊपर अगर सीलिंग में लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने लगाया क्या है, और दूर से ऐसा लगेगा जैसे लूवर्स लगाया सर ये। वाओ, बहुत बढ़िया। क्या रेंज में बेच रहे हो अभी आप? सर इसको हम 500 टू 600 की रेंज में दे रहे हैं। अच्छा, और ये सीधा सीधा चारकोल लूवर्स को टक्कर दे रहा है सर आज की डेट में। अरे, क्योंकि इस रेंज में। यस सर। हाँ, ये इनके बारे में बात करें या फिर इधर बात करोगे? सर पहले मैं मोल्डिंग दिखाना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि आजकल सस्ता बजट लोगों को बहुत चलता है। ये न्यू रेंज आई है सर हमारे पास गोल्डन में मोल्डिंग्स। अच्छा जी, ठीक है। पहले तो व्हाइट आ रही थी, अब न्यू रेंज गोल्डन में आई है सर। प्राइस में क्या फर्क आया है फिर? सर प्राइस में जो व्हाइट वाली मोल्डिंग है उससे तो ऊपर ही है। हाँ। जैसे स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है सर 250 से अप टू 650 तक जाता है सर ये। अच्छा, और जो बेसिक वाली मोल्डिंग है, जैसे जो पहले पुरानी चली आ रही है, वो 120 रुपए से चालू हो जाती है और 380 तक जाती है सर। ठीक है, मोल्डिंग का साइज क्या रहने वाला है? सर मोल्डिंग का साइज रहेगा सर 22mm से लेकर 65mm तक। 65mm। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे? इसके अलावा सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर ये वॉल हाइलाइटर्स हैं, आई थिंक वॉल हाइलाइटर्स एक्रिलिक पैनल है सर ये। बताएं जरा इनकी क्या रेंज है? सर ये 3000 की स्टार्टिंग है, 3000 की स्टार्टिंग अप टू 4500 तक है। Okay. जैसे ये वाला जो पैनल है आप देखिए, इसकी जो प्राइस रेंज है जी, और जो अमूमन वॉल हाइलाइटर्स चलते हैं जी, जो आजकल तो मार्केट में बहुत आ रहे हैं जी जी, क्या फर्क है? सर देखिए, थोड़ा सा लग्जूरियस प्रोडक्ट है। ओके, अब ये सिर्फ अगर मान लीजिए आप एक या दो पीस भी हाईलाइट करते हैं तो आपका जो रूम का डेकोर है वो एकदम अपग्रेड हो जाता है। ओके जी, इसमें क्या क्या रेंज है हमारे पास? सर हमारे पास जैसे ये वाला जो चारकोल है 5500, फिर ये वाली जो सीरीज है हमारे पास जी, इनले वाली जो है, इनले वाली जो सीरीज है 3000 टू 4500 के बीच में है। ठीक है, अच्छा इनके प्राइजेस क्या हमेशा एक जैसे रहते हैं या फ्लक्चुएट भी होते हैं? सर ये अभी तो फिलहाल में इसके प्राइजेस कम हुए हैं, जब जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्राइजेस थे इसके सर। ठीक है जी। वाओ, ये सारे एक्रेलिक में? एक्रेलिक और सर पीवीसी दोनों, पीवीसी दोनों मिक्स है ना? जी जी। ठीक है, अच्छा ये वाटर सीपेज का कुछ इलाज कर पाएंगे पैनल या नहीं? सर बिल्कुल वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। Okay. कुछ पैनल्स तो डायरेक्टली वॉल पे, चारकोल डायरेक्टली वॉल पे लग जाते हैं। थिकनेस क्या है इनकी? थिकनेस सर 1.5mm और 1mm के बीच में है सर। अच्छा जी जी जी, ठीक है। इनकी रेंज स्टार्ट हो जा रही है अपनी 3000 से सर, और जाती है ये 5500 तक। ओके, इसके बारे में बताएं सर।
सर ये भी एक्रेलिक पैनल है ओके जो कि सेल्फ एडेसिव के अंदर है। अच्छा ये सेल्फ एडेसिव है सर, ये आपको बोर्ड और प्लाई पे सेल्फ एडेसिव के उसमें लग जाएगा सर। वाह, और टोटली वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, डबल शेड में ट्रिपल शेड में अवेलेबल है सर ये हमारे पास। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने देखा अभी है ना जी, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ये भी बहुत धक्के खा रहा है अभी आया था जी, बहुत एक्सक्लूसिव अलग अलग प्राइस पे जी। पीयू स्टोन है सर, ये पीयू स्टोन है जिसकी जो इसमें हमारे पास वेरियस कलर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ओके, 4x2 का साइज आएगा, ठीक है। और सर जो इसकी जो प्राइस रेंज हो जाती है 1500 से 1800 के बीच में रहती है सर। अच्छा अब आपसे एक ऑनेस्ट जवाब चाहिए मुझे जी, ये एक्सटीरियर में सफल है या नहीं, रेकमेंड करेंगे आप या नहीं? सर मैं अपने एक्सपीरियंस तो आपको यही बताऊंगा कि लोगों ने सब इसको इंटीरियर में यूज किया है, बेड के पीछे राइट, और या तो किसी रेस्टोरेंट में यूज किया है। एक्सटीरियर में अभी तक बिल्डिंग के बाहर हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इसमें, पर लोग इसे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं एक्सटीरियर में कह के बेच रहे हैं, बट इसमें गारंटी नहीं देते सर हम, ठीक है, ये एक्सटीरियर में यूजेज है या नहीं, या नहीं है जी, ठीक है। एल्बेस्टस की बात करें थोड़ा सा जी सर, ये एल्बेस्टस देखिए सर हमारे पास 8x4 में स्टार्टिंग है, 8x4 जिसकी प्राइस रेंज चालू हो जाती है 3500 से लेकर 5000 के बीच में। ओके, 8x4 का साइज रहेगा, 3mm की थिकनेस रहेगी। और एल्बेस्टर को लेकर एक प्रॉब्लम भी है अखिल जी, लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ लगाना है, कैसे इसका लुक निकल के आएगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इसके लिए सर देखिए हमने ऊपर अपनी सीलिंग में यूज किया हुआ है इसको, ओके, दिखाने के लिए कि इसको सीलिंग में कैसे यूज किया करते हैं, और है। हमारे पास बकायदा इसके इंस्टॉलर भी अवेलेबल हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसको कैसे लगाते हैं, लोग कहते हैं कि कारपेंटर इंस्टॉल करेगा, हाँ। कारपेंटर इंस्टॉल नहीं कर पाता क्योंकि इसकी फ्रेमिंग होना जरूरी है, जरूरी है, जब तक आपने एल्बेस्टर और लाइट के बीच में एक गैप मेंटेन नहीं किया तो वो लुक निकल के नहीं आएगा, चाहे आप कितना महंगा ले लो चाहे कितना सस्ता ले लो, लाइट और एल्बेस्टर के बीच में एक गैप मिनिमम चाहिए जी। ये हमारे वही लाइट पासिंग जी, ये भी लाइट पासिंग एल्बेस्टर है सर, ये टेक्सचर्ड वाले होते हैं 8x2 के अंदर, ठीक है। इनकी क्या रेंज है सर? ये इसकी जो रेंज स्टार्टिंग हो जाती है 5000 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी रेंज, अप टू 6000 तक है ये, ठीक है जी। सर यहाँ पे आपने बहुत सारे सैंपल निकाले हैं, मैं चाहूंगा इनके बारे में जी 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 जी। और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है जो हम वीडियो की शुरुआत में हम पहले बात कर रहे थे, इससे शुरू करते हैं सर। ये देखिए हमारे पास कुछ स्टेंसिल्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को लगा के दिखा के पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि टीवी यूनिट में अगर आप किसी को प्रोडक्ट को लगा रहे हैं ओके, तो टीवी यूनिट पे देखिए कैसा लुक आएगा। अच्छा, आपने देखा कि आपको ग्रे टीवी यूनिट पता चल गया कि कैसा अवेलेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे इमेजिनेशन पे ही सारा काम होता है, इमेजिनेशन पे ही काम होता है सारा। अब जैसे व्हाइट सतवारियो है, व्हाइट सतवारियो को हमने टीवी पैनल के पीछे लगा के दिखाया, या फिर हमने बेड के पीछे इस तरीके से बेड के पीछे लगा के दिखाया लोगों को, अलमीराज के ऊपर तो अलमीरास के ऊपर बना के दिखाया सर, क्या लुक आ रही है वो तब लोगों को समझ में आ जाएगी, लोगों को जब समझ में आएगी, क्योंकि हम उसके इमेजिनेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो उनको अच्छा गाइड होता है सर। अच्छा, क्या प्राइस पे अभी आप दे रहे हैं सर? ये जो ये अभी हमारे पास जो लेमिनेट इम्पोर्टेड लेमिनेट्स हैं, ये हमारे पास रेंज चालू हो जाती है सर 1800 से 2500 के बीच में सर, जिसके अंदर फ्लूटेड स्टोन पैनल और डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप देखिए पूरी किट है हमारे पास, जैसे फ्लूटेड हो गई फ्लूट्स हो गया और मार्बल सीरीज हो गई, तो ये सारी रेंज सर हमारे पास मिलेगी आपको, इवन ग्लॉस में भी मिल जाएगा, में मिल जाएगा सर। अच्छा जी, आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है जी, कहने के लिए तो ये वॉल पैनल्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल सर, बट यहाँ जितना झूठ बोला जाता है मुझे नहीं लगता कहीं और बोला जाता है, नहीं ठीक है, लोग रिटेल के प्राइस पे होलसेल का एक अट्रैक्शन चाहते हैं, बिल्कुल, और जब लोग भटकते हुए आते हैं और उनको समझ में आता है और वो देखते हैं, वो फील करते हैं कि वो उनके साथ चीट हुआ है एक तरह का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये मार्केट में जो ये वॉल पैनल को अब जो मतलब मैं अभी देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, वॉल पेपर एक ज़माने में बहुत अच्छा हुआ करता था, अब उसकी हालत ऐसी हो गई, वो 50 रुपये में भी बिक रहा है, बिक रहा है, तो क्या आने वाले 2-3 साल में वॉल डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट अभी हम देख रहे हैं उनकी भी हालत भी ऐसी ही होने वाली है? सर देखिए डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी और किस ब्रांड का माल बेच रहे हैं, राइट। अगर आप अपने व्यूअर्स को अगर व्यूअर कोई वीडियो में ये बोलता है कि मैं इतने प्रोडक्ट का माल बेच रहा हूँ और जब उसके ऊपर कोई विजिट करता है तो वो प्राइस नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली बात है कि व्यूअर्स को बुरा लगता है, चीटेड फील होता है जी, चीटेड फील होता है। तो मैं तो सर जो मैं साफ बोलता हूँ कि जो हमारी जो क्वालिटी है हम उसके पैसे लेते हैं, राइट, प्रोडक्ट के पैसे लेते हैं,
हमें ये नहीं है कि हमें अपना माल निकालना ही है, सस्ता बोल के, सस्ता बोल के नहीं बेचना, क्वालिटी बोल के बेचना है सर। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे जब कोई आता है तो इंटीरियर से रिलेटेड जैसे आपने इनलेस बनाए हुए हैं लोगों को समझाने के लिए, तो प्रॉपर आप उनको समझाते हैं कि कैसे करना है, चाहे वो होलसेलर है चाहे रिटेलर है। जी सर, उसके लिए सर हमारे पास पूरी टीम है कि जो कि घरों में जाके विजिट करती है। अच्छा जी, हम पहले, हमारा ये काम नहीं है कि हमने सीधा ऑर्डर लिख लिया और पैसे ले लिए, हमारा बकायदा बंदा पहले विजिट करता है, हमारे को मेजरमेंट देता है, फिर उसके बाद हम कोटेशन बना के फिर फाइनल एडवांस लेते हैं सर पार्टी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, आफ्टर सेटिस्फेक्शन, तभी आप इतना टाइम से टिके हुए और आपका जो नाम है वो इस मार्केट में काफी अच्छा है। बिल्कुल, इन पैनल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जी सर, सर ये इनले पैनल्स हैं जो कि एचडीएचएमआर में आते हैं। अच्छा, और ये डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आए हैं सर, 8x2 का साइज रहता है सर। ये श्रिंकिंग पैनल एक तरह से देखा जाए, छोटे पैनल है, बड़े पैनल ऐसे रहने वाले, ये मिनिएचर है सर, मिनिएचर्स है ना, ये मिनिएचर है, और इसके अंदर आप कलर भी ऑप्शन हम आपको देंगे, जैसे ये लेदर पैनल में आ जाता है, ठीक है, और इसके अंदर लेदर की फिनिश ज्यादा है, जी लेदर की फिनिश ज्यादा है, और वेव्स टीक का वेव्स आ जाएगा इसके बाद, फिर और थिकनेस क्या आ रही है, थिकनेस इसकी सर 5mm आएगी सर। ठीक है, इनके बारे में, ये भी मिनिएचर्स हैं, मिनिएचर्स हैं सर सारे, क्या किस, ये वॉल हाइलाइटर्स के मिनिएचर्स हैं, मिनिएचर्स हैं सर सारे, ये भी सर पेंटेबल है, और कोई भी अलग कलर में अगर आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है सर ये। प्राइस की बात करें थोड़ा सा सर, इसकी प्राइस रेंज चालू हो जाती है सर 3500 to 4500 तक सर। ओके जी, ठीक है, डिपेंड करता है आपका क्या जी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना। जी सर बिल्कुल, ठीक है, ये प्रोडक्ट तो हमने काफी बार दिखाया है और लोगों को काफी पसंद आया, लोग शायद इसको देख के पहचान भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद पीछे जो आपकी वॉल है, जी सर, उसके बाद देखिए सर मैंने ये यूवी मार्बल के कुछ डिजाइन है, जो कि यूवी मार्बल आपको पता है आजकल बहुत इन है और चीप, लोग कम बजट में अपना इंटीरियर करवा सकते हैं यूवी मार्बल के अंदर, पर इसको इसको इंस्टॉल करने के लिए सर हमें मतलब पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ना सर, कुछ भी इंस्टॉल करने कराने के लिए इतना कुछ नहीं आपको करना, ये डायरेक्टली वॉल पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और सीपे से पूरा आपका कवर अप कर लेगी सर, पेंट का खर्चे से कम ये रहता है इसका लगाने का, पेंट से वो हसल भी नहीं रहेगी, हसल भी नहीं रहेगी सर, ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी एक और वॉल है जी, इसके बाद मैं आपको सर फ्लूटेड लेमिनेट दिखाना चाहूंगा सर। ओके, ये नया प्रोडक्ट है सर, फ्लूटेड लेमिनेट, जैसे एक्रेलिक शीट आती थी जी जी जी, वैसे ही अब इसके अंदर फ्लूटेड लेमिनेट आया है सर। बहुत, ये भी मिनिएचर है ना, मिनिएचर है सर, 8x4 का साइज है इसके अंदर, मैं आपको और मार्बल के शेड दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास कुछ मार्बल के शेड्स भी आए हैं। अच्छा, मार्बल में भी है, जी जी जी, ये देखिए सर, जैसे व्हाइट सतवारियो आ गया, ग्रे सतवारियो आ गया, ब्राउन सतवारियो, इवन वुडन फिनिश जी सतवारियो, जी 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 जी, बहुत बढ़िया। क्या प्राइस पे बेच रहे हैं अभी आप सर? ये स्टार्टिंग हो जाती है 3800 to 6000 की रेंज है सर। कितने का पैनल? 8x4 का पैनल है सर ये, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा वॉलपेपर भी बेचने लगे हैं आप? जी सर, वॉलपेपर भी बेचने लग गए हैं सर। क्यों सर? सर वॉलपेपर सबकी डिमांड आती है एक्चुअली, जब तक इंटीरियर का पूरा गेटअप ना हो जब तक मजा नहीं आता सर काम करने का। ठीक है, इसमें क्या नया है आपके पास? सर हमारे पास आजकल ये किचन के और बाथरूम और इवन मंदिर के पीछे, बार काउंटर के पीछे आप इस तरीके से पीवीसी सेल्फ एडहेसिव के अंदर वॉलपेपर है सर ये। क्या प्राइस से शुरू है? जिसकी प्राइस रेंज चालू हो जाती है सर 400 rupees से। 400 rupees से? यस सर, 400 rupees से पर रोल चालू हो जाता है। ये वाला जो रोल है ये भी 500 rupees के हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत वैरायटी है, मिनिमम हमारे पास देख सकते हैं कि कितनी बुक्स हैं। अच्छा, बुक्स भी आपके पास? बुक्स भी हैं, जो कि स्टार्टिंग हो जाता है 1000 rupees से लेकर 2500 तक की रेंज है सर। ठीक है, इस वॉल की तरफ चलें। जी सर आ जाइए, बताएं जरा इसके बारे में। 1, 2, 3, 4 पूरे आपके पैनल लगे हुए हैं? जी सर, और सबकी अलग अलग क्वालिटी है सर। ये चारकोल पैनल है इनले वाला, ये मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है सर, और ये मैट फिनिश में है। मैट फिनिश में है, इसकी बेसिकली जो यूज है वो ड्राइंग रूम में और बेड के पीछे और कहीं भी हाईलाइट वॉल करनी हो तो उधर यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, और ये जो ये स्टोन पैनल है जो कि हम पहले दिखा चुके हैं अपने व्यूअर्स को, ये वो वाले स्टोन पैनल्स हैं। ओके, थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, ये वाली वॉल कवर करते हैं आप। जी बताएं जरा इसके बारे में। सर ये देखिए 8x10 inch का लोअर पैनल्स है। ओके, क्योंकि लोअर पैनल सब लाइनिंग वाले आते हैं तो लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। अब इसमें जो डिजाइन आ रहे हैं सर थोड़े से चौड़े डिजाइन आ रहे हैं ताकि वो उसको कवर अप कर लें। क्या प्राइस पे है, पैनल का साइज क्या है? सर इसका पैनल का साइज रहेगा 8x10 inch। अच्छा, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1200 to 1500 के बीच में आती है सर। ठीक है जी, पीछे चलते हैं इस तरफ और यहाँ पर आपका जो सेगमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने प्रॉपर
इसको वॉल को हाईलाइट किया है, यूवी पैनल पीछे लगाया हुआ है जी। साथ में आपने स्टील के वो डब्ल्यूपीसी के लूवर्स लगाए हुए हैं हमने, ठीक है जी। इसके बारे में बात करेंगे जी सर। ये कोरियन का मंदिर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। अच्छा। और आप किसी भी डिजाइन में और किसी भी देवी देवताओं का डिजाइन हम बना देते हैं। ओके। जैसे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सर। साइज भी अपने आप कस्टमाइज होता है। साइज कस्टमाइज होता है सर। वाटर प्रूफ प्रोडक्ट होता है। कभी भी धूप बत्ती का जलने का कोई निशान नहीं रहता सर कोरियन के ऊपर। मैं इसकी लाइट बंद करके आपको व्यूइंग देता हूं। अच्छा, इसका तभी लुक ना। ओके राइट। ये देखिए सर, वाओ, ये बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है इसका लुक क्या है। बिल्कुल सर। सर जब लाइट बंद होती है तो इसका एक अलग ही इम्प्रेशन आता है, क्योंकि एक घर के अंदर आई थिंक मंदिर सबसे एक पूजा का स्थान सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जी। बहुत बढ़िया। इसकी प्राइस रेंज वगैरह क्या रहती है सर? इसकी जो प्राइस रेंज चालू होती है सर 1000 rupees पर स्क्वायर फीट से रहती है सर। तो अखिल जी, ये दूसरा डिस्प्ले है आपका ना? जी जी जी। जो थोड़ा पीछे की तरफ आता है। बिल्कुल। यहाँ पर काफी पैनल्स लगे हैं, मुझे इसके बारे में बताएं फिर जरा, किसकी क्या प्राइस है, क्या है? सर ये कोरियन चारकोल लग्जूरियस पैनल है। ओके। जो कि 8x2 का साइज आता है सर। राइट। इसके अंदर वेरियस कलर मिल जाएंगे और पैटर्न भी मिल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। छोटा सा डेमो है क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। राइट राइट। इसके पास हमारे पास लोग अच्छे डिजाइन देख सकते हैं आके हमारे पास, और ये डायरेक्टली पेस्ट हो सकता है सर वॉल पे। अच्छा जी, डायरेक्टली वॉल पे पेस्ट हो जाएगा। और जिसकी जो प्राइस रेंज आती है सर 5000 to 6000 के बीच में जाती है सर। अच्छा, आपके पीछे जो पैनल है इसके बारे में बात करेंगे? जी सर, ये चारकोल का पैनल है 8x2 का 3D लुक में। ओके। इसकी जो प्राइस रेंज चालू हो जाती है सर 2500 rupees तक की प्राइस रेंज है इसकी, और 8x2 का साइज है सर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक मोल्डिंग के साथ आपने ये लगाया है। जी 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 जी। ये WPC पैनल है सर 10x1 वाले। अच्छा। 10x1 वाले पैनल हैं सर, जो कि डायरेक्टली आप इसको वॉल पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, थोड़ा बुक्स देख लेते हैं। जी 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 जी। ये चारकोल हैं सर हमारे 8x2 के, जो कि प्राइस रेंज चालू होती है 2000 rupees से लेकर 2800 rupees तक की रेंज में। ये PVC, ये हमारे पास स्टोन पैनल है, ठीक है, जो कि 12500 rupees का है 8x4 के अंदर। वाओ जी। पैन इंडिया मिल रहा है? पैन इंडिया मिलेगा सर। 8x4 का चारकोल शीट है, 8x2 की चारकोल शीट है सर। ठीक है। फिर ये स्टील पैनल है सर 8x4 का, जो कि 3200 से स्टार्टिंग हो जाता है 6500 तक सर। बहुत बढ़िया। फैब्रिक पैनल है सर, देखिए बेड के पीछे के लिए आप इसमें कस्टमाइज कलर मिल जाएगा आपको, हर तरीके से आपको साइज मिलेंगे। फिर हमारे पास फ्लूटेड लैमिनेट्स मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी उसको, वो मिलेगा। फिर ये अगेन चारकोल है। चारकोल के आपके पास काफी रेंज है जी। फिर ये हमारे पास यूवी मार्बल है, बैम्बू चारकोल है सर। अच्छा। जो कि किचन में यूज कर सकते हैं, बाथरूम में यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, यूवी में और बैम्बू में? सर जो बैम्बू चारकोल होता है उसकी थिकनेस मोटी होती है, जो कि 6mm होती है, और जो यूवी मार्बल की थिकनेस होती है वो होती है 3mm। दोनों के दोनों बेंडेबल है? नहीं सर, बेंडेबल सर सिर्फ बैम्बू चारकोल होता है सर। अच्छा, ये बेंड हो जाएगा 360? जी जी। 360 तो नहीं होता, पर थोड़ा कम होता है सर। 180 सर। ठीक है, इसके बारे में बात कर ले। ये सर चारकोल शीट है 8x4 का बैम्बू, ये चारकोल है, ठीक है, कोरियन। अच्छा जी। क्या प्राइस पे है सर? ये 6800 to 7000 के बीच में आता है। ओके जी। वाओ, बहुत बढ़िया। इसको हम फर्नीचर वगैरह फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, वॉल हाइलाइटर्स, वॉशरूम में, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ठीक है। ये अगेन फिर स्टील पैनल है और फैब्रिक पैनल है हमारे। ठीक है। डिजाइन तो काफी मिल जाएंगे ना? जी जी। आप कैटलॉग्स वगैरह भेज देते हैं अपने व्यूअर्स? बिल्कुल सर, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो भी फॉलो करता है सर, उसमें हमारे लेटेस्ट डिजाइन आते रहते हैं सर, डेली अपडेट होते रहते हैं सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। यहाँ पे कमी तो हमको नहीं मिलने वाली है, चाहे वो मेटल प्रोडक्ट हो जी, चाहे वो आप चारकोल पैनल ले रहे हैं। देखिए लैमिनेट्स भी है हमारे पास 2500 to 2000 की रेंज वाली। ओह, जो मैं यहाँ पर आपके यहाँ देख रहा हूँ, काफी जो प्रोडक्ट है वो सारे इनले आजकल की जो चॉइस है वो लोगों के स्टोन पैनल और इनले की है सर। जो मार्केट है वो इसी पैटर्न पे इर्द गिर्द घूम रही है सर। ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आपको। वाओ, ये देखिए बुक मार्क मैच वाला पैटर्न, ये बुक मैच है ना? जी। ठीक है। अच्छा, पीछे की वॉल की बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा ना जी। इनके बारे में बताइए, सैंपल मिनिएचर देखे थे सर। ये देखिए WPC लूवर्स है। ओके। जो कि हमारे पास 350 से स्टार्टिंग हो जाती है। और कितने तक जाते हैं? और ये जाता है सर 750 तक। ठीक है सर। इसमें फर्क ये है कि मटेरियल का फर्क है, लोग इसको कम में भी बेच रहे हैं,
पर इसके अंदर वेट का फर्क है कि अगर आप हल्के वेट का लेंगे तो वो सस्ता है और जो भारी वेट है ऑब्वियसली बात है सर। ठीक है, ये तो हमने मिनिएचर देखे थे। जी 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 ठीक है, ये सीएनसी में आपका सीएनसी एचडीएचएमआर के ऊपर है सर ये। बहुत बढ़िया, चाहे इनले ले सकते हैं नहीं ले सकते, कस्टमाइज करवा सर, कस्टमाइज हो जाएगा, कलर भी कस्टमाइज हो जाएगा, इनले भी कस्टमाइज हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और रेंज आ रही है, फिर फैब्रिक लूवर्स हैं सर इसके, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसके भी कस्टमाइज हो जाएगा सर फैब्रिक। बहुत बढ़िया, अपने हिसाब से हम फैब्रिक कस्टमाइज करवा सकते। जी 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 ठीक है, इनके बारे में बताएं फिर सर। ये फ्यूजन पैनल है 8x1 वाला। फ्यूजन पैनल इनसेंस लाइक किस तरह कहां सर? फ्यूजन इसमें इस चीज का है कि जैसे हमने बीच में लूवर के डिजाइन के बीच में चारकोल इनबिल्ट कर दिया। अच्छा। मतलब दोनों को फ्यूजन कर दिया सर। ओके, तो इसीलिए इसको फ्यूजन पैनल बोला जाता है कि सर कि ये एडजॉइनिंग जो आपका चारकोल वाला एरिया उसको कवर अप करने के लिए होता है, जो साइड्स में कवर अप करता है, एक फुट वाली जगह। ठीक है, क्या प्राइस पे बेच रहे हैं अभी सर? ये प्राइसिंग स्टार्टिंग हो जाती है सर 1300 to 2500 तक। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे। ये भी सर स्टोन इनले पैनल है सर, जो कि 8x2 का आता है और जिसकी प्राइस रेंज 5000 to 6000 के बीच में है और डायरेक्टली पेस्ट हो जाता है सर वॉल पे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट जरूर करें और यहाँ पर आकर जुड़े जरूर। इंस्टाग्राम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो जरूर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।